बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Assalamualaikum पाकिस्तान, जी हाँ, दिस इज मी मतीरा और आप लोग देख रहे हैं द इंस्टा शो। जिस तरह आप लोगों को पता है दैट संडे इज ऑलवेज अ फन डे, हमारे आज के मेहमान बड़े अच्छे से हैं, बड़े मज़ेदार है, वेरी ग्रेट एंड ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स और वेरी नाइस जेन्युइन पर्सन। तो यस, हम हमारे मेहमान को जल्दी से बुलाते हैं, उनके साथ एक प्यार से टिकटॉक करें जो अभी ब्लॉगिंग पर है। सो यस, जो हमारे मेहमान है, वी हैव द वन एंड ओनली रजा समो। हेलो एंड सलाम अलैकुम, क्या हाल है? येलो येलो ड्यूटी फेलो, कैसे हैं? वाइट 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 और बिट वाइट, एक एड याद आ गया, छोड़ो। सेट हो? मैं सेट किसके साथ? यार मैं वैसे सेट नहीं हूँ किसी के साथ, वैसे जिंदगी में सेट हूँ। हाँ, फिसलते रहते हो। हाँ, जो हाथ नहीं आता वो फिसलता रहता है, ऐसे ही है। हाँ, तो ओ ऐसी आवाज भी आती है। डर नहीं लगा वादियों में? डर क्यों लगेगा, वहाँ कौन सा, मैं छलांग लगाने दिए? नहीं, छलांग नहीं, एक चीज होता है कि एक वो मतलब फ्लाइट और फिर वेदर। केटू चढ़ने नहीं गया था मैं, वादियों में घूम रहा था, बीच में ही, बीच में क्लाइंबिंग नहीं की मैंने, चढ़ा नहीं आप पर। एनीवेज, हम बुलाते हैं हमारे एक और मेहमान को जो बड़ी हस्ती है, कभी आपने उनको देखा होगा मलाई मुंह में डालती हुई, अभी मैंने देखा इन्होंने दो दो दूध पिया है, दूध वाली, यू नो दो दो, एक भी नहीं, चॉकलेट वाले दो दो दूध के डब्बे। सो यस, हम बुलाते हैं हमारे प्यारी सी कशफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सर, बैठो बैठो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये कमजोरी क्या राज है? डाइट पर हो क्या? बहुत ज़्यादा, सुबह नाश्ते में 5-6 पराठे चाहिए होते हैं, दोपहर में मुझे 4-5 बिरयानी की प्लेट चाहिए होती है, रात को चाहिए होता है, रात में टिक्के विक्के ब्रोस जो कि आई थी तो ये नहीं था। वाई दिस, ये किस चीज से इंस्पायर हुए हो? बकरा ईद? नहीं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? मुझे ना राज होना चाहिए, रजा नहीं होना चाहिए बस। मुझे ना यहाँ की पियर्सिंग बहुत पसंद थी। तुमने की यहाँ की? यहाँ की। तो यहाँ पे गलत नहीं, तो मम्मा ने कहा कि जो है क्या, मम्मा ने कहा ये नहीं छिदवाना है, दूंगी अगर छिदवाना है तो यहाँ छिदवा लो, दोनों का ऑप्शन में ये ऑप्शन देना, उन्होंने कहा बोलूंगी तो नहीं छिदवाएगी क्योंकि बुरी लगेगी, मैं गई दूसरे दिन ही छिदवा कर आऊंगी। मतलब मैंने पूरे मेरे कान छिदे हुए, कभी इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन इसमें मतलब मेन यही जगह होती है हमारी बोन के अंदर जो दर्द हुआ। नहीं, ये फिर बड़ा कुत्ता बंदा था जिसने हड्डी में ही सुराख कर ली भाई, मीट पर करते हैं ऐसे खींच के नीचे, लेकिन बहुत दर्द हुआ, अभी तक है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो सुनो, जिसने हड्डी में सुराख किया है तो वो फिर ये निकालोगे तो सुराख को कैसे भरोगे? खुद ही भर जाएगा, ये खुद ही भर, हड्डी का सुराख नहीं भरता है? तो भले सुराख रहे, हड्डी का क्या हुआ, सुराख बाकी नहीं भरता, नहीं भरता। तो सुराख ना भरे, अंदर कौन झांक रहा है, अंदर कौन जा रहा है? हाँ। बाहर बाहर से चलो, अंदर क्यों जाना है भाई? सुराख तो वैसे भी अंदर है, बाहर का किसको पता। हाँ चलो, तो वैसे ये लुकिंग नाइस, वेरी नाइस। हाँ, और आप मिली हो इनसे? एक्साइटेड है? ये पुरानी पुरानी दोस्त है। हाँ, तो ये सुराख नहीं किया, आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा। हाँ, मुझे तो लग रहा है तुम्हें नहीं सुराख किया, आ जाओ। खैर नहीं, शी इज आल्सो स्टार्टिंग ब्लॉगिंग। नहीं नहीं, तुम तो बड़े माहिर हो। मैंने देखा उसको, देखा मैंने, सर्च किया और बड़ा अच्छा जा रही है। कितना अच्छा? बहू अच्छा जा रही है, सही जा रही है बहू, जो डेली ब्लॉगिंग कर रही है ना, तो ये बहुत आगे जाएगी, आगे चली जाएगी, लोग कहेंगे कहाँ चली गई, थैंक यू, आगे चली गई। खैर मुझे एक बात बताओ, तुम इसने मुझे बोला था कि सवाल नहीं पूछना है। लेकिन हाँ, बहुत सारे सवाल है, मैं पूछ लूँ? पूछूँ। क्या तुम इजाजत देते हो? हाँ। वैसे आप इसकी बात है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए हो तुम, ये सारी रोस्टिंग का? और एंड आई बिलीव दैट तुम कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं करते, यू आर वेरी डिफरेंट एंड बहुत मैंने तुम्हें एक शो पर देखा जहाँ होस्ट बड़ा अग्रेसिवली अटैक कर रहा था एंड यू स्टेड वेरी कूल, सो हाउ डिड यू मैनेज? एक होता है ना जैसे काफ़ी लोग पर्सनल ईगो पर ले जाते हैं,
कैसे क्या? वो मुझे पता है किस शो की बात कर रही है, वो पर्सनल नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो पहला मेरा जोक था ना, जो आते हुए पहला जो पहला इंप्रेशन होता है ना, वो लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो पहला जोक मेरा ऐसा था, तो मैं आके उसे कहा अभी आपको बोलूंगा हाय मथीरा, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मायरा खान। तो वो आपको हो सकता है ऐसे लगे कि ओह ये पर्सनल जा रहा है, तो वो अगला उसने कैफियत में चला गया कि अच्छा जी ये चल रहा है। तो फिर वो ऐसा ऐसा चल रहा था, बाकी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नो नो ही इज अ वेरी जानू फ्रेंड, लेकिन मैंने बोला यार तबीश क्यों इतना पर्सनल नजर आ रहा था भैया। मैं तो इसी जगह बैठा था। एक बात बता, एंड हाँ मेरे प्रोड्यूसर्स बोले माशाल्लाह मदीना शो का नाम नहीं बताया लेकिन बंदे का नाम ले लिया। मैं इसलिए लूंगी क्योंकि ताबिश तुम मेरे शो पर नहीं आया, हमेशा कोई नई टोपी, हमेशा कोई नया ड्रामा, और वहीं खत्म हो जाती है। पर एनीवेज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी उनके शो के साथ ये किया, एक टोपी और एक ड्रामा। पर एनीवेज तो ये खुजली खुजली क्या है और ये कैसे आती है? ये अभी जैसे खुजा रही हैं आप, वो देखो मैं खुजाने रही महसूस क्या कर रही हो ये खुजाना और खराइज करने में बहुत यू नो क्या करने में खुजाना खुजली कहाँ से आई? खुजली कहाँ से आई? खुजली बस नाम ऐसे ही रख दिया, मैं वही बता भी चुका हूँ खुजा रहा था तो ये तो वहीं से एक चीज शुरू हुई। हाँ बस ऐसे ही रैंडम। कश्यप तुम मुझे एक बात बता, ये कश्यप लॉस्ट हो गई थी खुजाने खैरियत है तुम्हें नहीं खुजा रहे थे बहन, दिमाग में ये अपना ही कुछ नहीं चल रहा था। नहीं मैं कुछ और सोच रही थी। तुम्हें खुजाना था क्या करना था बहन? अरे वैसे ही कॉन्सेंट्रेट से सुन रही थी। मुझे तो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं, मुझे तो तुम डीफोकस लग रही थी। एक होता है फोकस और एक होता है डीफोकस। तो कंप्लीटली खोयो गई थी तुम मैं रजा। खोए खो खो वो तुम डूबना चाहोगे इनकी आंखों में? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं नहीं डूब रहा भैया। नहीं डूब रहे? नहीं नहीं डूब भी नहीं सकते, बहुत बड़ी पानी चाहिए, डूब जाएंगे बहुत बुरी तरह। ये डायलॉग बड़ा अजीब है, डूब नहीं सकते मैं बहुत बड़ी हूँ खो जाएंगे बड़ा अजीब लगता है। अजीब है तभी तो कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, हमेशा छोटी बच्ची बना कर मैं बहुत छोटी हूँ ये होना चाहिए डायलॉग। ये क्या हो गया? ये बैठ कर जवाब आया था मैम देख लिया बहुत अच्छे। ये दो जरा मुक्के मारो एक दूसरे को। और कुछ मारो ब्रो फिस्ट है। ये तो नहीं बस सही था, भाई बना दिए तुम्हें भाई ब्रो फिस्ट सही है ना सब है चलता है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। कैसे जा रहे हैं तुम्हारे ब्लॉगिंग? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ब्रेकअप से कैसे महसूस हो रहा है? ये एक बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में। अच्छा ओहो हो हो हाँ बहुत टॉक्सिक में। अभी अब तो नहीं है ना? शुक्र है आजाद हो गई। नहीं है ना? नहीं नहीं होना चाहिए टॉक्सिक। मैं तो बोलती हूँ टू ऑल द बच्चियाँ जो एक चीज पर रहते हैं दैट यू नो एक आप बंदा आपका केयर करना वो एक अलग चीज है और एक इंसान आपको कंट्रोल कर रहा वो एक अलग चीज है। सो यस केयरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कंट्रोलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। प्लीज मिक्स नहीं करें। और प्यार श्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता है। आपको नहीं मिल रहा तो होता ही नहीं प्यार। अरे मेरे को बहुत मिलता है मसला ये होता है सबके राज मेरे पास है तो मैं देख के बता सकती हूँ। जो ये ढोंग लगाते हैं ना आई लव यू बेबी वो होता नहीं है। अच्छा जो बात है वो सही बात है, कड़वी बात है सच्ची बात है। प्यार नहीं होता, प्यार कड़वे लोग आजकल चलते नहीं है। प्यार नहीं होता। अच्छा जी सुनो कड़वे नहीं चलते। अग्री करती हूँ इस बात से। मीठे ही चलते हैं। मीठे चलते हैं कभी चलाया है? आजकल कड़वे जो है ना कड़वे लोगों को ना जहर लगने लगता है और लोग अपनी जिंदगी से जहर निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो कड़वा भी नहीं चाहिए मीठा भी नहीं चाहिए क्या? नमकीन चाहिए खट्टा चाहिए ना? कड़वा चाहिए ना मीठा चाहिए खट्टा चाहिए क्या चाहिए? काला खट्टा क्या चाहिए? मैं बोलती हूँ अपना बना के खुद खा लूंगी। खाने की बात पे सारी बातें खुद ही से कर लेगी। वैसे एक बताओ यू फ्रॉम लाड़काना? यस माय होम टाउन इज लाड़काना। वाओ दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस। थैंक यू। यू नॉट पंजाबी? ना। ओह आई ऑलवेज थॉट बट आई हैव लिव्ड इन पंजाब फॉर 5 इयर्स। इस्लामाबाद में 5 साल फिर लाहौर में 5 साल तो मैं तो मुझे हाइब्रिड हूं। पंजाब अच्छा है या सिंधी माड़ू अच्छा है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। दोनों के अपने अपने मजे हैं। दोनों के अपने अपने हाँ तो मुझे बताओ इस्लामाबाद जाने का क्या तुकता? सोने की सिटी है मतलब लिटरली सो जाती है। पढ़ाई के लिए मैं चला गया था।
स्टडी के लिए। क्या स्टडी किया? मैंने स्टडी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जहाज इसे मुझे भी पायलट बनना था। हाँ बचपन में मैंने पर्ल हार्बर देखी। सारे बच्चे यही कहते हैं बचपन में पायलट बनना होता है। नहीं वो पर्ल हार्बर हमने देख ली थी ना, उससे मेरे को प्यार हो गया बेन एफ्लिक से। अच्छा। मैंने बोला बंदा तो ऐसा ही चाहिए, यूनिफॉर्म वाला होना चाहिए। अब हर बंदे को यूनिफॉर्म बनाती पहनाती हूं। फिर उतार ना मेरे काम। पर एनीवेज कोई बात नहीं। पर जहाज कैसे उड़ता है? जहाज कैसे उड़ता है? I really want to know। यार देखो मैं बताऊं, मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था, वहां से मैं ड्रॉप आउट हुआ हूं। अगर मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करता ना तो मैं पास हो जाता। वैसे तुम्हारा फेस भी ना कम्प्लीटली पायलट पायलट वाला है। वेरी पायलट वाला। हाँ वेरी। हाँ वो जो होते हैं ना शरीफ लॉन्डे थोड़ा। हाँ है ना, मैं शराफत टपक रही है मेरे मुंह से। शराफत टपक रही है ना करो। बिल्कुल मासूमियत शराफत। थैंक यू। बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट लूंगा। प्यारे लग रहे हो तुम। तुमने बाल छोटे कर लिए? नहीं नहीं अभी तो बड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ। खैर मुझे बताओ कि हमारे डायरेक्टर बहुत ही एक सवाल है उनके दिल का करीब। वो बोल रहे हैं आप रेट करो लाड़काना या इस्लामाबाद। सुन लो जी। रेट करो? हाँ, किस रेट करो? किस चीज पे रेट करूँ? ना बहुत सारी चीजें। हर जगह रेट कर लो। यार देखो वो होम टाउन है तो फिर मैं उसको रेट ही ज्यादा करूंगा। हाँ वैसे डू यू मिस लाड़काना? आई डू मिस समटाइम्स। मैं जाता भी हूँ। हाँ और कराची? कराची तो आपने बुला लिया इस तरह काम के सिलसिले में। कराची बट व्हाई नॉट कराची? कराची तो अच्छा है। कराची बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ हब ऑफ एवरीथिंग। यस तो कराची तो मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है अभी। मस्त शहर है। मस्त शहर है। बहुत मस्त शहर है। बहुत ही ज्यादा। कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं। इंदौर में? इंदौर। हां कोई टेंशन। वैसे आप बताओ आप जलसों पर गए या नहीं? एक दफा गया था मैं। किसके? Obviously, इमरान खान के। और क्या नवाज शरीफ के जलसे में तो मेरा मुंह नहीं है। तुम बता। उंगलियां चूसने के अलावा भी जिंदगी होती है। हर चीज मुंह में नहीं होती। कुछ स्क्रीन पर बहुत कुछ होती है। बहुत कुछ। क्या कर रही थी अपनी उंगली मुंह में डालकर? क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी कुछ नहीं। कुछ बातें दिल के अंदर ही रह जानी चाहिए। बताओ ना बताओ। तुम्हारा दिल बहुत ही प्यारा दिल है। बताओ। मेरी बातें सारी फालतू होती हैं। अरे कोई बात नहीं। हम तो कौन से यहाँ फिलोसफी झाड़ रहे हैं। ऐसे ही बस ऐसे ही सोच रही थी। वो एक तो मेरे को वर्ड भी नहीं आते हैं। क्या कर रही? वर्ड्स बोल तो रही हूँ। आते तो है। लड़काना और इस्लामाबाद के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी मैं कराची में ही रहती हूँ ना तो इससे सिर्फ कराची अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही फजूल सोच रही थी। फजूल सोच रही थी। अच्छा अच्छा फजूल सोच रही थी। आगे सोच रही थी वो फजूल था। फजल को नहीं सोचना फजूल सोचना है। ठीक है किधर? तुम्हारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। कैसे? तुमने कहीं और देखा? किसने ठोका? आगे या पीछे? कहाँ हुआ? मैं साइड से ठोक के गया। कोई साइड से? हाँ। ना आगे ठोकी ना पीछे। ये देखो ना ये ठोक गई है तो। ये बड़ी कमाल बात है। कैसे? साइड से ठोक के गया। कैसे? ट्रक ड्राइवर ठोक के गया। तो ट्रक कैसे लाइक? या असल मैं बता, सीन ये हो रहा था कि मैं नहीं कर रहा था ड्राइव। पहले मैं ड्राइव कर रहा था। अब्बा जी बैठे थे साइड में। कहते हैं कैसे चला रहे हो? ऐसे बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं। ये देखो इन जगहों पे देख ही नहीं रहे तुम लेफ्ट राइट ऐसे गलत चला रहे हो। रुको मैं चलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई चला लो। साइड पे लगाई। अब्बा जी आए उन्होंने गाड़ी चलाई। अब मुझे गाड़ी चला रहे हैं सिखा भी रहे। लेफ्ट पे भी देखा करो राइट पे भी देखा करो ये बहुत जरूरी है। ट्रक क्यों नहीं देखा उन्होंने? उन्होंने ट्रक ही नहीं देखा। उन्होंने ट्रक ही नहीं देखा। मैंने अचानक कहा अब्बा जी लेफ्ट होना था लेफ्ट। हैं लेफ्ट? जैसे उन्होंने किया ट्रक वाला आया वो हमें घसीटा गया। चलो चले मितवा इन ऊंची-ऊंची राहों में करके ऐसे चलती गई। और जहाँ पे हम रुके तो फिर वो एक जगह पे हम रुक गए। एक जगह पे हम रुक गए नीचे थी खाई। तो हाँ वो नहीं फसलें थी तो वहाँ आके ऐसे रुक गई गाड़ी। अगर थोड़ी सी और जाती तो एक टप्पा तो हो जाता यानी कि गाड़ी उल्टी हो जाती। हम टांगे ऊपर हो जाती। तो फिर कुछ मेजर इंजरीज या नहीं? मेजर इंजरीज नहीं हुई। थोड़े थोड़े यहाँ शीशे लगे थे शीशे से। यार आपस की बात है तुम तो बहुत अच्छी तरह बच गए हो। मेरे मेरे ये बराबर में शेख जायद रोड पर जब मैंने बोल नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी तो थ्री फ्रैक्चर्स हो गए थे। एक लंग पंचर हो गई थी। जॉ टूटा था। सही की मेरी। यार लोग इतने अजीब होते हैं। अभी हमारी गाड़ी नई मैंने गाड़ी ली है उसको मैं बेबी की तरह रखता था।
उससे अगले दिन इंश्योरेंस करवानी थी मैंने अगले ही दिन, लेकिन वो खैर वो सारा कुछ शॉर्ट हो गया था। लोग इतने ऐसे, अब क्या बोलूँ मैं, वहाँ एक्सीडेंट हुई गाड़ी, हम निकले मोटरवे, पुलिस आई है सारे अजीब जख्मी से, एक बंदा आया उधर ही आया, बेचनी है क्या गाड़ी? यू शुड हैव से लेनी है भाई, कोने में आ गुस्सा आया, वो कह रहा है गाड़ी बेचनी है क्या? नहीं, इधर हम जो है परेशान, और लोगों को उधर ही प्रॉफिट चाहिए अपना यार, अब तो एक सस्ती में बेचेगा। सही बात यार, मतलब कैसे लोग हैं ना आजकल, कसम से। हाँ, मैं लोगों से सैड, क्योंकि एक बहुत ही यू नो वेरी गुड सिंगर पास्ट अवे, सिद्धू मूसेवाला, और मैं लोगों को ये बोलती हूँ दैट खुदा के वास्ते जो लोग वो जो व्हेन ही गॉट गन डाउन वो उसकी एक वीडियो इतना लगा रहे हो, नहीं करा करो। हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक एक प्राइवेसी भी नाम की एक चीज होती है। हर चीज कैमरा हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज की वीडियो बनाए। आजकल के लोगों को सिर्फ फेम चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी ऐसा मिले और हम सोशल मीडिया पर डालें और हमारा अकाउंट ऊपर जाए। बस आजकल के लोग फेम के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ, यही है बस आजकल, जहाँ देखा कुछ हो रहा है फौरन मोबाइल निकाला बनाना है। मतलब आप लोगों की हेल्प कर दो, कुछ कर दो, नहीं भाई आधे से आधा लोग वीडियो बना रहे हो। पर एनीवेज कोई बात नहीं, कश्यप तुम्हारी गाड़ी मैंने सुना है, मेरी टीम बोली है हमेशा बंद हो जाती है। नहीं, ये झूठ है, तुम्हारी ठुक जाती है, ये बोल रहे इसकी गाड़ी ऐसा नहीं, मतलब कि ये तेल में मसला है। नहीं, मतलब मैंने बहुत मेहनत से अपनी गाड़ी ली है, तो जितनी गियर है मैंने नहीं आता, नहीं ना न्यूट्रल नहीं रखा। क्या मसला है? अब इतनी मेहनत से गाड़ी मैंने ली है, अब जितने मेरे पास पैसे जमा हुए थे बस मुझे ये था मैंने गाड़ी लेनी है। हाँ। तो पहले मैंने जो गाड़ी ली, पहले मैंने कोरे ली, बट ये था कि उसमें पता नहीं क्या होता था, वो चलती बहुत अच्छा थी लेकिन वो बंद हो जाती थी, उसका पता नहीं आगे से क्या निकल जाता है, फिर वो सही कराया पीछे से नहीं। हाँ, आगे तुम चेक तो करवाओ, चेक कराया ना, फिर वो सही हो गया सब कुछ, तो फिर अब पेट्रोल का पाइप निकलता रहा। मुझे ऐसा लगता है बस ले ली ना गाड़ी, बहुत मतलब इंसान अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद कोई चीज लेता है, अब उसमें कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, तो उल्टा ऐसे हो रहा है कि पैसे लगे जा रहे। मैं बोलती हूँ थोड़े रुक कर पैसे जमा करके, खराब पाइप है वो पैसे ही लगवाता है, सही पाइप होता हो नहीं लगवाता तुझे उल्टा पैसे दे के जाता है। पाइपों से पाइप ठीक करो, दूर रहो यार, ठीक पाइप अच्छा वाला पाइप, सही वाला पाइप लो, अब अच्छी लूंगी ना इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन उस गाड़ी पे भी मैं पूरी कराची पर घूम लेती हूँ। क्या करती है पूरे पहाड़ी पर जा? अब ऐसे नहीं रुकती, कौन सी गाड़ी है जो सीढ़ियों पर बंद हो जाती है? सीढ़ियों पर कहाँ है? सीढ़ियों पर कहाँ यार, कौन पता, सीढ़ियों पर क्यों बंद होता है बताओ? वो हुआ ये सीन था वहाँ पे, इसलिए बंद हो गई थी, उसका कोई गुटखा निकल गया था, पता नहीं हमारी गाड़ी में गुटखा खाती है, लेकिन उसने मुझे बहुत खुआ कराया था मेरी जिंदगी में। गुटखा कैसे निकला? तो उसकी आदत छुड़वाओ। कुछ लोगों की असलियत मुझे उस दिन पता लगी थी, गाड़ी घूम गई गुटका तुम्हारी, चल तुम्हारी नहीं रही, आगे से गिर वो रही है, पाइप उसका ढीला है, और फिर तुम बोल रहे लोगों की असलियत सामने हुई। हाँ। ये बताओ ये अडप कैसे हो रहा है? कश्यप आर यू लैंडिंग? प्लीज लैंड सेफ। लैंड सेफ? नो आई एम उपरिंग। टेक ऑफ इज कमिंग। ओह माय गॉड, शी इज उपरिंग। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू आल्सो उपरिंग? निचरिंग। यू आर निचरिंग? ओह वाओ, देयर इज वेरी बिग किचरिंग हैपनिंग हियर, देयर इज उपरिंग एंड निचरिंग। एंड अभी हम देखते हैं इस ब्रेक में कौन सी रिंग कहाँ चल रही है। Welcome to the Insta Show. मैं हूँ आपकी होस्ट मितिरा, हमारे प्यार प्यार मेहमान है यहाँ। मुझे बताओ, मुझे लग रहा है आज आपका हम लोग के साथ बहुत मजा आ रहा है। बहुत नहीं, शीज ये वाहिद बच्ची है। मैं जब भी बुलाती हूँ हमें इतना मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं, ये इतनी गैबुल दिमाग।
यार कितना प्यारा लफ्ज मैंने बोला कि मैं मुझे बड़ा मजा आता है। और पता है क्या, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ी खुलकर बैठती है, लाइक शेर की बच्ची है, लाइक उसको पता है वो सी पार्टमेंट की है। अरे यार क्यों हो यार, शेर की बच्ची में ये गधे वाली आवाज क्यों निकली? नहीं ये क्या था, अब क्या करूं, हंसी इतनी खूबसूरत है मेरी। जानू हंसी तुम सेट है, ये तुम, ये क्या था, ये मैंने कहा आपने शेर का नाम लिया तो शेर की वेरी नाइस वेरी नाइस, आप तो बहुत ही अच्छी चल रही है, गुड गोइंग, इसी तरह चलते रहना। आई एम वेरी शातिर गर्ल, वेरी शातिर गर्ल, वाओ। जब हम ये तो खुद ही अपने आप में चल रही है टेलीफिल्म, इसको ये बस का बटन ऑन है, ये खुद ही रहा बस चल रही है, किसी की कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर तुमने यहाँ जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो लोग एक्चुअली बताते नहीं है व्लॉगिंग की रियलिटी, एंड आई बिलीव यू गाइज आर द मेन व्लॉगर्स। और जब यूट्यूब का कोई यूट्यूब मानता नहीं था, आई बिलीव आप लोग ने, आई बिलीव एक प्लस पॉइंट भी है, एंड आई थिंक आप लोग ने उस वक्त अपना स्ट्रगल भी किया है। तो आपने क्या क्या बनाया है बताओ, कि FIR पीछे लगवाओ तुम्हारे पीछे। क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाए? अच्छा मैं मेरी दौलत जानना चाह रही हूँ, दौलत दिखाओ, मदीरा के शो पर आए हो, दौलत दिखाओ। मेरे पास सब है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, औरत नहीं है, औरत नहीं, नहीं वो नहीं है, बाकी एक औरत है, उसका अच्छा खिलाड़ी था, नहीं मेरे अंदर तो दो मर्द है, एक औरत दो मर्द, पर नहीं बताओ लाइक, लेकिन अच्छा नॉर्मल के जो आधे जो लोग हैं बच्चे जो आना चाह रहे हैं, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं, क्योंकि व्लॉगिंग हर बंदे की एक कप ऑफ टी नहीं है, आई थिंक दैट। एंड तो आप बताओ, व्हाट विल यू लाइक गाइड द जनरेशन? सीन है ना कि अभी सैचुरेशन हो गई है, बहुत ज्यादा लोग आ गए, अभी हमारे दौर में ये था कि हमने गलतियां की एंड इट्स ओके, कर करके हमें पता लगा अच्छा स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, और करके क्योंकि कोई था नहीं, हमने खुद मेहनत की, उसकी भी चैलेंजेस अलग थे, बट वी मेड इट। अब कोई आ रहे हैं तो वो शुरू से नहीं आ सकता, उसको स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट में ऐसे नहीं आ सकता। लोग को ये लगता है कि अभी फौरन फौरन हमारे, हमने एक वीडियो लगाया है, दूसरे दिन हमारे वीडियो पर 5 लाख होना चाहिए, तो यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अब यूट्यूब पर। मेरे मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये लोगों को मैं बताऊं, हाँ ये सही बात है, एक दो वीडियो डाल के कहते होते हैं कि मोनेटाइजेशन कब होगी, पैसे कब आएंगे इसके, तो भाई हमारे मेरे पैसे आए थे 1.5 साल बाद 10,000 रुपए आए थे, तो बिल्ड होता है $100 उस दौर डॉलर नीचे होता था, तो इतना टाइम बाद वो आना शुरू हुए थे, तो कुछ लगाओ तो सही, मेहनत तो करो, एक साल लगा एंड दैट इज जस्ट इमेजिन यू डूइंग अ जॉब फॉर 1 ईयर, उसके बाद आपको पे मिलना शुरू हो और वो पहली पे 10,000। एक बात बताओ, तुमने एक फिल्म भी बनाई है? मैंने तो नहीं बनाई लाइक तुमने एक्टिंग भी की है उसमें, हाँ तो ये कीड़ा कब काटा, और वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, मतलब आई वुड से इट्स वेरी सीरियस एंड यू आर इन द कैरेक्टर, और मुझे वो फिल्म भी बहुत अच्छी लगी, दिस आशिर इन इट राइट, एंड द गर्ल रुमैसा इज इन इट, सलीम मेराज है, यस सलीम मेराज है, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म है। सो कैसा लगा ये फिल्म का एक्सपीरियंस, नाम बताओ उसका, रिलीज डेट बता दो हमें। रिलीज डेट अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, टीजर आ चुका है, ट्रेलर आने वाला है, जॉन नाम है फिल्म का, इट इज अ वेरी वेरी नाइस रॉ फिल्म है, बिल्कुल रॉ फिल्म है, एक्टिंग क्योंकि उसमें शुक्र अल्लाह का 70s की बाइक दिखाई है, कोई हवा चलती हुई चीज नहीं दिखाई, एंड आई थिंक इट्स अ स्टोरी दैट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, स्पेशली जो 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 एक्चुअल आशिक माशूक होते हैं ना, जो बाहर खड़े होकर गुटखा लगाकर सुबह 5 बजे तक कैरम खेल रहे थे, दोस पीपल कैन रिलेट, क्योंकि वही हमारी अवाम है, इन द एंड ऑफ द डे वी डू नॉट वांट टू फेस इट, लेकिन मिडिल क्लास इतना सा है, अपर क्लास इतना सा, लाइक इतना सा, ठीक है, एंड देन द रेस्ट इज यू नो these people, so it's very so nice. exactly वो उन सबको connect करती है ना film, और so what is it, is it a thriller, it is a is thriller, it a romance, comedy तो नहीं है, comedy मतलब dark comedy है मेरे तरफ से जो आ रही है उसमें है dark comedy है, बट मेन जो इसका जॉनर अगर हम कह लें तो वो थ्रिलर है, रोमांस है। चलो जी दैट्स नाइस, मुझे एक बात बताओ, डार्क कॉमेडी को यहाँ कोई समझता क्यों नहीं है?
कॉमेडी रखना है लेकिन हमें सांता बंता वाली कॉमेडी करनी है. आई डोंट गेट इट व्हाई लोग अडल्ट कॉमेडी की तरफ जाते नहीं है. उधर सबको सुना है इंडियन फिल्म्स में लोग देखते हैं उस चीज पर हंसते भी हैं लेकिन यहाँ डार्क कॉमेडी व्हाई इजंट इट. डार्क कॉमेडी आई वुड से डार्क कॉमेडी डिफरेंट है, एडल्ट डिफरेंट है और जो सीधी सादी कॉमेडी है वो डिफरेंट है. ठीक है हाँ. तो एडल्ट तो पाकिस्तान में लाइक एक बूम आया था लेकिन वो उस कदर नहीं चली. यूट्यूब पे डिजिटल पे चल जाती है, टीवी पे तो ऑब्वियसली नहीं चल सकती. कोई भी नहीं चाहता कि चैनल चेंज करें और कोई एडल्ट बात हो जाए, बच्चा बैठा हो साथ, तो टीवी पे मुश्किल होती है. बट डिजिटल पे चल जाता है. यही सवाल आ रहा होगा कि डार्क कॉमेडी बोलते किसको, क्योंकि मेरे दिल में काला हो गया. मैं आपको सिंपल बता दूं, किसी की मौत पे मजाक उड़ा दिया, दिस इज डार्क कॉमेडी. किसी की ट्रेजेडी पे, किसी की ट्रेजेडी पे मतलब इस तरह वो हो रही है डार्क. नॉट ओनली ऑन द ट्रेजेडी, इट्स आल्सो वेरी सार्केज्म, टॉन्ट वाला एक जुगत होती है. जो लोग सिर्फ टॉन्ट ले लेते हैं जुगत को भूल जाते हैं. सो यस, ये एक बड़ी ऑफुल सी चीज होती है. तुम कॉमेडी करती हो? हाँ, मेरे हंसने कॉमेडी से ज्यादा होता है. वो लोग अभी करेगी, वो खुद ही देखा, खुद ही बोला, ऑडियंस भी खुद है, खुद ही अपने शुरू कर दी. हाँ, कॉमेडी अच्छी कर लेती हूँ मैं. कैसे? जैसे मैं एक ड्रामा आया था कुद्दूस साहब की बेवा, तो उसमें एक बद्रिका जो आती उसकी एक्टिंग अच्छी उतार लेती थी, तो लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसते थे. तो बद्रिका बन जा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा वो देखा, थोड़ा सा हो जाए, हो जाए. हम सब ने देखा कुद्दूस साहब को. अल्लाह हमने जाने गंजे बना की शादी आई है, हम क्या पकौड़े खाएंगे? किसी को कॉन्सेंट्रेट से जो देखती हूँ तो फिर ये है कि मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ, थोड़ा ये है मेरे अंदर. अच्छी बात है, अच्छी चीजों को देखा करो, गलत चीजें ना पिक कर लो. ये हमें सुना ड्रामा भी कर रहे हो? हाँ, ड्रामा भी. ड्रामा क्या है? ड्रामा है, आई डोंट नो, अभी रिवील करना चाहिए. नहीं, ड्रामा तो कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी जो है प्रोड्यूसर साहब भी रिवील करना चाह रहे हैं उसका नाम के नहीं, लेकिन एक ड्रामा कर रहा हूँ मैं. पांच कैरेक्टर्स होंगे, टीवी चैनल ही और टीवी पे ही आएगा. हाँ, और कॉलेज स्टूडेंट्स का ड्रामा है. एक डिफरेंट चीज है, मतलब सास बहू वाला झगड़ा नहीं है इसमें, और सारे फ्रेश फेसेस हैं. रसोड़े में घसोड़ा, रसोड़े में कोई, हाँ वो नहीं है. ओके, चलो, फ्रेश फेसेस हैं सारे नए. और उसमें क्या कॉमेडी है, लव है, रोमांस? हर जगह जाता हूँ ना, जहाँ जाता हूँ थोड़ी कॉमेडी मुझे दे ही देते हैं कि यार ये जोक जो है ना इसके मुंह से सही लगेगा. इतने टाइम बाद नहीं देंगे तो कब देंगे? ये बात तो सही है. ये खैर, आप बताओ पास्ट का कुछ बता. पास्ट का कुछ, पास्ट की कोई डार्क चीज बताओ. पास्ट की डार्क चीज क्यों जानना चाह रही है? बस एक होता है ना. अच्छा, यू नो आई रियली लव इट, क्योंकि जब यहाँ कोई बैठता है, जब कोई एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बैठती है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हर एक इंसान के पीछे एक डार्क फेस भी आता है जो काफी लोग नहीं देखते या नहीं जानते. एंड अगर मुझे लगता है अगर वो इंसान उस डार्क फेस को शेयर करता है ना, तो वो काफी लोगों की जिंदगी के लिए थोड़ा सा एक बेहतर राय रख लेता है. चलो सही, तो ये है कि आई वॉज ब्रोक. हाँ, मतलब मेरी कहानी रैग्स टू रिचेस वाली है. ओके, तो ये दिस इज वन थिंग जो कि मैं इजिली शेयर करता हूँ कि स्ट्रगल किया मैंने काफी, मतलब उसी ने ड्रॉप आउट के बाद पैसे वैसे नहीं होते थे. तो फिर ऐसे उधार उधार पे चलता था मैं दोस्तों के पैसे से लेके. ओके, और फिर यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया. और उस दौर में यह था ना, मतलब उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदार दोस्तों को ये कहता था कि यार चलो मेरे साथ वहाँ पर ना, ये ज़मीन है इसको खोदेंगे, अंदर सोने की देख निकल आएगी. मतलब अनबिलीवेबल था इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता था YouTube से कोई पैसे आते हैं या YouTube कोई करियर है. तो मतलब ऐसी मिसाल है कि किसी को मैं आपको बोलूं यहाँ खोदते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ निकल आएगी, तो नो वन बिलीव्ड मी, बिल्कुल भी नहीं. अभी तो नए बच्चों के पास मतलब रेफरेंस है ना, देसी जुनेजो, देसी मोरू, देसी
सम्मू, उन्हें पता है कि अच्छा ये कुछ हो सकता है, तब वो था नहीं, तो वो फिर अंधा यकीन करके मैंने किया। एंड लेकिन उस टाइम पर जवानी में कभी नहीं, अभी क्या बड़ा हो गया मैं, नहीं एक होता है ना बचपना वाली जवानी में इंसान कुछ गलतियां कर लेता है, ठीक है, एक इतनी बातें तो हम करते हैं, तो कुछ सीरियस भी होना चाहिए ना, एक एक पॉजिटिव, क्योंकि आई हैव सीन, मैंने खुद देखा है छोटी छोटी बच्चियां, उनको लगता है कि अगर वो सिगरेट फूकेगी नहीं तो वो कूल नहीं है, अगर वो पिएंगी नहीं तो वो एक कूल बच्ची नहीं होगी, उनको ग्रेड से कोई लेना देने नहीं है, दे जस्ट वांट टू बी कूल किड्स, एंड दैट वे पता है क्या होता है, वो दे गेट ड्रंक, वो उनको पता भी नहीं होता वो कहाँ जा रही है, आधी बच्चियाँ अगवा हो जाती है, गलत चक्रों में पड़ जाती है, उनके साथ ज्यादती हो जाती है, बिकॉज नशे की हालत में यू डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। सो और मुझे लगता है कि जितना हम आगे जाते जा रहे हैं ये चीजें बहुत ही आम होती जा रही है हमारी सोसाइटी में। सो आई रियली वांट पीपल टू नो दैट, देखो फेमस होना एक अलग बात है, यू नो यूट्यूबर होना एक अलग बात है, लेकिन उस मकाम पर जाने के लिए ये पार्टी जरूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू बी द कूल किड, यू कैन बी द, आई वाज अ डिप्रेस्ड लोनर and now I'm a different person. So you do not need to be the cool kid. So yes, we're coming back to you. और ऐसा भी हो सकता है कि आप cool kid हो but you don't do, you know, the you don't need party. हाँ, party में मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, they never did anything, but they were, you know, popular kids. उनको party में होना चाहिए क्योंकि मजा नहीं आता था और वो कुछ भी नहीं करते थे। You don't need to drink smoke and do drugs. You do not need to do that. Actually, I think जब आप ये तीन चीजें कर रहे हो, you are not popular. You are going for, you know, एक suicide bomb अपने लिए बना रहे हो। Exactly, destructive है, self destructive है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी तुम किसी, what do you call, I saw your vlog और उस vlog में you actually really spoke out into everything. Please speak out. मैं और कितने इशारे दूँ तुम्हें? उंगली कर करके थक गई हूँ मैं। हो गया ना कई, बहुत जगह हो गया, लोगों को पता है मेरी स्टोरी के क्या था, और बस मतलब ये सीन है कि आई वुड से विजन जरूरी है। हाउ डिड इट टर्न, मतलब एक चीज़ होती है ना, तुमने कब ये बोला दैट बस हो गया, अब बदलाव लाना है, व्हेन डिड दैट कम? ओके इफ यू रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, दिस सेट इज वेरी कलरफुल, बट इफ यू रियली वांट टू टॉक अबाउट यू नो डार्क ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस, तो मेरा टर्न ऐसे आया कि मेरा एक दोस्त था और वो ही डिड इट अ लॉट, तो उसकी डेथ हो गई और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हुआ, तो मैंने कहा यार दिस इज And yes, a person can die, and this is a very special message, because I've seen, मैंने बड़े छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है just for being cool. And you know they've done these weird things. So please stay away from drugs. मजाक मस्ती हम करते रहते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा मैसेज मैं जरूर देती हूँ, क्योंकि a lot of young kids watch the show. So सिगरेट से दूर रहो, आपके माँ बाप इतनी मुश्किलों से इतना एक वो होता है ना कि आप ज़मीन से ज़्यादा बच्चे एक माँ बाप के लिए सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। सही बात। सो आप उनको उस वक्त इस हालत में अगर चले जाओ, देन यू आर जस्ट टीचिंग देम इन अ वेरी वेरी हॉरिबल वे। सो यस, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम ब्रेक्स, लेकिन हम ब्रेक लेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। शो, जी हाँ मैं हूँ मतीरा, मेरे साथ है हमारे प्यार से यूट्यूबर रोजा समाओ एंड हमारे प्यार से कश्यप, जो हंसती रहती है। मैं बड़ी बड़ी बच्ची हूँ, काम करूँगी इससे भी बड़े, है ना? खैर, शादी की बात आती है, तुमने क्यों नहीं की? सब शादी हो गए, सब शादी शुदा है। मैंने तो एक मीम देखी थी, वो कपल आ रहे हैं बॉलीवुड के ना, सब आ रहे हैं, सबकी जिन जिनकी शादी हो रही है, हाँ। फिर एंड में आता है सलमान खान, उस पे लिखा होता रजा समो, पीछे गाना चल रहा था। वैसे एक बात बता, क्यों कभी प्यार हुआ? प्यार किसको नहीं होता यार, हो जाता है, फिर दिल भी टूटता है सारी, ये पूरा मतलब कैसे करवाता है, क्या कैसे दिल टूटता है, कैसे दिल टूटता है, आवाज नहीं आती आवाज नहीं आती, लेकिन सन्नाटे में होता, सन्नाटे में वो खतरनाक होता है जो सन्नाटे में होता है। हाँ,
लेकिन वाई एक दफा कुत्ते वाला प्यार हुआ था या मेरी पसंद बहुत खराब है। हाय 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 तुम भी वो मैं पता है मुझे सब बोल रहे थे लाल झंडा है। हाँ। मैं चश्मे पहन लेती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं कलर ब्लाइंड हूँ। हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है, सिर्फ झंडा है, मैं वही जा रही हूँ। तो जब डंडा मिलता है ना फिर वापस आकर झंडे से बताते हैं ना लाल था। तो हाँ तो यही सीन अभी तक यही चल रहा है। सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप कितने थी, लाइक कितना टाइम लगा? 1.5 साल का था। ओके तुमने छोड़ा है उसने छोड़ा? हरकत उसकी थी और छोड़ा मैंने। हरकत उसकी थी, हरकत में तो बरकत होती है यार। छोड़ा बरकत तो थी, मेरे लिए बरकत नहीं थी ना। ओ कहीं और बरकत हो रही थी। बरकत कहीं और हो रही थी, बरकत साथ बरकत उसमें ही फिर पैदा हो जाती है। कोई बरकत अली था उसी के साथ ही बरकत हो रही थी। ओ ठीक है तो फिर देन यू छोड़ो फाय और छोड़ो फाय खेरे थे ये अलग ही जोन में। इसके भी तो दिल टूटा है, सिस्टा तो टूटा है। हम इधर ही बैठकर उसकी तस्वीरें दिल टूटा है इसका। हाँ ताज़ा ऐसा है नहीं, मैं ये सोच रही थी कि लड़के जो बोलते हैं ना कि दिल टूट गया जैसे मैंने तो मैं एक बात कहना चाह रही थी उस पर मुझे बड़ी जोर से आई लेकिन मैंने बोला चुप रहना चाहिए काफी जगह पे। लेकिन ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है लड़के जो होते हैं ना वो भागते हैं प्यारी प्यारी लड़कियों के पीछे ना कि हमें चाहिए तो अच्छी चाहिए, खूबसूरत हो और ऐसी हो वैसी हो। तो बस मुझे ऐसा होता है कि यार लड़के ये क्यों नहीं सोचते कि लड़की चाहे जैसी भी हो लेकिन वो ऐसी हो कि मेरे साथ चले, उसने मेरे साथ लाइफ गुजारनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अच्छी प्यारी लड़की चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मुझे लगता है जब मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आता है तो मैं भले वो ऐसा भी हो मैं उसको लेके सीरियस हो जाती हूँ, बट उसे ऐसा लगता है कि यार सही है ये टेम्परेरी चलने के लिए सही है लेकिन शादी के लिए मुझे प्यारी खूबसूरत पतली दुबली लड़की चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे लड़कों का यही कॉन्सेप्ट देखा, काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो मेरी तरह हैं बट मैं उनके लिए एक मोटिवेशन बन के खड़ी हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में ये नहीं है तो मैंने अपना रुख मोड़ा हुआ है, मैं अपने आप को कुछ बनाने में लगी हुई हूँ कि मैं जब कुछ बनाऊँगी तो मेरे आगे 10 लड़के खड़े होंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें खूबसूरत और पतली दुबली लड़की चाहिए। हमारे माशरे में और हमारे लोगों के दिमाग में बस ये कि अगर शादी के लिए बहू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी अम्माओं को देखा, वो कहती हैं भाई हमें अपने बेटे के लिए लड़की चाहिए, माँ थोड़ी चाहिए। मतलब ये उनका डायलॉग होता है हेल्दी लड़कियों को, मोटी लड़कियों को जो होती हैं उनको देखकर। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, फिर उन्हें ये बर्दाश्त भी करना चाहिए जब वो उनके बेटे को लेकर साइड पर रहती है। मुझे लगता है कि जैसे मुझे ऐसी हेल्दी या मोटी लड़कियाँ होती हैं वो माइंड से ऐसी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि यार मुझे अपना घर बसाना है, बस एक मिल जाए और बस। मतलब बहुत अजीब सा होता है। नहीं, नहीं, आई, 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 ना, बिल्कुल दिस इज अ वेरी वियर पॉइंट। मोटी क्या होता है? नहीं लेकिन इट्स व्हाट यू कॉल प्लस साइज, दिस नॉट दिस द वर्ड मोटी इज छोड़ो। And I think that you right that career बनाओ बच्चे ना बनाओ। लेकिन मुझे लगता है बराबर में बैठ के लोग ऐसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल बराबर में बोलते हैं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मोटी लड़कियाँ क्या इतनी प्यारी हो गई तो कर लो ना शादी, क्यों नहीं करते? चाहिए पतली लड़की ही तुम्हें, तारीफ करने के लिए कर दें तुम अच्छी हो यार ये है वो, तो तुम कर लो शादी। रजा शुगर शुगर पता है मैं कहने वाला था यार से ना कहो तुम भी खूबसूरत हो, यहां से यही जवाब आता तो तुम करो भाई तू कर ले शादी मेरे से। मैंने एक बहुत सीरियस बात करी है कि भाई तुम कर लो ना शादी, हमारे माशरे में इस चीज से लोग बाहर क्यों नहीं आते, ये करते हैं शादी होता है। लेकिन जब कुछ लड़के ऐसे मैंने देखे हैं बहुत, अरे जानू जिन लड़कों की मैं किस्म खुदा की एक बात करूँ, देखो औरतें भी बुरी हैं। हाँ, लड़के भी बुरे हैं, सही बात है। और उनसे ज्यादा बुरी है उनकी माए होती है। I'll be very honest, आप किसी को कितना भी बोल दो वो बात तो अपनी माँ का ही सुनेगा। ठीक सही बात है, बेटा होगा गंजा मोटा, आई एम नॉट सेइंग लड़की उसको भी प्यारी चाहिए। आई जस्ट थिंक दैट रिलेशनशिप्स मेरी जान जोड़ियां ऊपर बनती है। हाँ। जब होना होगा ना वो लिफ्ट में भी टकरा कर कुछ हो जाएगा, यही बात तो करी वॉशरूम में भी कुछ हो जाएगा, रिलेशनशिप्स में भी। या तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड गया, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ये सोचते हैं चलो ठीक है अभी टेम्परेरी चलने के लिए ये वाली ठीक है लेकिन शादी अम्मा की पसंद की कर लूंगा या कोई ऐसी लड़की ढूंढ लूंगा जो मेरे साथ चलते हुए अच्छी लगे और मेरा कपल अच्छा लगे। नहीं मेरे जब तुम ये बात करती हो ना ये टेम्परेरी और ये वाली बात, तो मैं बच्चों को ये जरूर बोलूंगी देखो अगर आपको कोई लड़का पसंद आया
तो प्लीज अपने माँ बाप को बताओ, क्योंकि जब वो लड़का माँ बाप के सामने आएगा ना और उसको माँ बाप नजर आएंगे, वो देख सकेगा इस यहाँ लड़की के साथ कोई टेम्पररी वाला खेल रहा है। लेकिन आजकल के अडल्ट्स आर इन्वॉल्वड, वो फिर पीछे हटेगा या एक्चुअल सीरियस होगा। हाँ हाँ हाँ, तो इन्वॉल्व करना चाहिए पेरेंट्स को, आई बिलीव अपने बच्चों को एक हद दो, इन हदों के साथ पार नहीं करो, लेकिन बच्चों को इतनी फ्रीडम दो कि बच्चा खुद आकर आपसे बात करे कि देखो ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। अभी वो दुआ जहरा वाला केस देखकर तो मेरा मुंह खुल ही गया है कि बेचारा उसका बाप इतना रो रहा है, वो बेटी केक काट रही है, वो चूरन चटनी वाले बंदे के साथ, समझ में नहीं आता। सो आई एक्चुअली थिंक दैट आजकल बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल है और इसी तरह ब्रेक लेना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें लेना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड, हम कश्यप को यही बोल रहे थे, जब प्यार होगा तुम्हारा कहीं तो होगा, ढोल बजेंगे, हवा आएगी। मुझे बताओ तुम्हारा डक्की से क्या मसला है, तुम लोग क्या दोस्त हो? बिल्कुल दोस्त हैं, क्या मसला? सारे यूट्यूबर्स एक दोस्त होते हैं या वो कभी कभी बताते हैं ना कि ये वो क्या प्लान चीजें होती है या आपस में यूट्यूबर जो ना ये इतना नहीं लड़ते, जितना दुनिया वाले बना देते हम लोग इतना नहीं लड़ते। एक ग्रुप बना हुआ है बड़ा सा, है ही कितने, कोई 10-12 ही तो हैं। ग्रुप बनाया है, उसमें सारे जो है मीम शेयर करते हैं, काम की बातें शेयर कर रहे थे, लड़ाई वड़ाई इतनी नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है किसी का काम नहीं पसंद, उससे बात नहीं है, किसी का पसंद नहीं है, रोस्टिंग कर ली कि बंदा नाराज हो गया। तुमने रोस्टिंग? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसी कभी रोस्टिंग की नहीं है कि अगला नाराज हो। Okay. मुझे ऐसा लगता है, हाँ अक्सर तो मैं पूछ भी लेता हूँ नाराज हो गया, खुद हो गया, मैं मुझे नहीं पता था तू नाराज था यार, एक दफा बोलता तो सही, नाराज था, पूछता भी हूँ अक्सर। हाँ, शादी में क्यों नहीं थे डक्की की? सब थे यार, शादी का ना, तो बहुत एंटी सोशल इंसान हो। हाँ, ऐसा लगता है ना, वो यही तो मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए तो मैं निकल रहा हूँ, मैं बहुत ही स्टूडियो में रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है इसने बहुत सारे बिस्तर तोड़े हैं और अब इसको ये चीज तोड़नी है। निकल रहा हूँ। और डकी शादी पे मैं कोई वजह ही थी कि नहीं आ सका, मैं इस्लामाबाद में था, फंस चुका था एक जगह पे। खैर, ये एक तो तुम फंसते बहुत हो, बहुत फंसता है लड़का, हम आपको क्या दें कि आप फंसे नहीं। आपने फंसाना है तो मैं फंस जाऊंगा, मसला नहीं। अरे यार तुम फंसने वाले हो क्या? कहने एनीवेज तुम बताओ कहां तुम फंसी हुई हो? कहीं पर भी नहीं। ये नहीं फंसी हुई ना? ये नहीं फंसी हुई, इसकी सिर्फ ये फंसी हुई है। हाँ, मैं इसके साथ ही। दर्द होता है हंसते हुए? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है बस, कि किसी हाथ वाथ लग जाए तो बस। इसके मेरी एक दोस्त, शी इज इन अमेरिका, उसके पास भी ये थी, लेकिन उसकी पता है अलग थी कि वो इस नोज रिंग को ना ऊपर भी कर नॉर्मल रख सकती तो थी। मैं ऊपर रखती हूँ इसे, मैंने अभी निकाली हुई है। तो तुमने अभी बाहर निकाली? अभी बाहर निकाली है, वरना ये ऊपर चली जाती है यूं करके वो। हाँ, वो ऊपर चढ़ा लेता है, सी बना हुआ है ना। हाँ, नोज पिन पहनती हूँ ना जब अंदर कर लेती हूँ। अभी हम एक और चीज चलाते हैं, मुझे बताओ होंठ पढ़ना आता है? होंठ, होंठ पढ़ना, क्या क्या पढ़ते हो तुम? होंठ, इंसान, होंठ। चलो जी, चलो जी, और मैंने क्या गालियां देनी? नहीं। जी, म्यूजिक चल गया, म्यूजिक। हाँ हाँ, करना क्या? राजा जी बहु हरामी। हाँ, ये हाँ, बोलना है और इसने पढ़ना है, इसको पढ़ना है। राजा जी टच नहीं भाई, नहीं छूना, टच नहीं, नो छूना, नहीं छूना होना नहीं है, सिर्फ होंठ पढ़ने, उससे आगे नहीं बढ़ना। राजा जी, अच्छा 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 अच्छा, ये वो आप बोल रहे हो, मूड में लग रही है। राजा जी कितने वर्ड हैं? तीन नहीं, एक दो तीन चार, चार वर्ड हैं। पहला वर्ड राजा, अच्छा राजा, अच्छा कच्चा बादाम, नहीं नहीं राजा, अच्छा दूसरा देख लो, दूसरा, चौथा, जी
राजा अरे नहीं राजा इशारे नहीं करने इशारे नहीं करने इशारे नहीं करने तब्बा हाँ बता दो क्या बताना था मैं बताना था राजा जी बहू रमी हाँ पहले राजा जी कर देते अरे इशारे नहीं करने होठ इशारे नहीं करने ना होठ पड़ने राजा अब ये इशारा भी करे मैं राजा राजा कर कुछ यही करे तुम बस 14-15 करती रहो अब मैं कितना अच्छे से बताऊंगी अब देखो इशारे नहीं करने दूध दिला रही हाँ दूध दूध टूटी दूध दूध टूटी दूध 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 कितने वर्ड्स हैं दो एक ही वर्ड दो वर्ड्स हैं दूध तू दूध आख तू दूध 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 और दूध दूध दुलारी दूध अच्छा दूसरा बताओ दुलारी गुलाटी दुलारी दुलारी दू 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 इशारे लारी अच्छा दू लारी टू लांडी लारी दूध दुलारी दूध दुलारी फाइव कुछ कुलाड़ी क्या बोल रही है दूध दुलारी हटाओ कुलाड़ी ये नहीं क्या मैं तो मुश्किल वर्ड क्या 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 था दूध दुलारी दूध दुलारी मुझे तो ये डर था तुम जो चल रहे थे ना मेरे को ये कुछ और ही जिस हाँ जो मुझे निकल रहे थे ना बहुत ही मजा वाला था खैर आप अब आपको कुछ बोलना चाहोगे YouTube का और Instagram और अपने घर का अपने NIC का अकाउंट नंबर सब इजी पैसा सब कुछ दे सकते हो यार मुझे मैं यहाँ पे आया मुझे बड़ा अच्छा लगा मज़ेदार इनसे मैं मिला ये बहुत मज़ेदार करेक्टर है यार हमारी दोस्ती भी हो गई अच्छी बात अच्छी है ना हाँ और एवरीथिंग वाज गुड सब अच्छा था बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पे है ना तो हाँ बस देखते रहिए तीन स्टार शो विद मथीरा ये शो तो मुझे बड़ा याद रहेगा आप इसके बाद यस यस वो फ्लिप जो था ना बड़ा जो था गुड था तुम बताओ मैं ये बोलना चाहूंगी अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें कभी भी डीमोटिवेट मत होइएगा और अगर डीमोटिवेट होते हैं तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखेगा कभी भी अपने ऊपर वालों को देखेंगे तो डीमोटिवेट ही होंगे अगर मोटिवेशन चाहिए तो नीचे वालों को देख के आगे बढ़ते रहें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना हाँ। ना भूलिएगा कश्यप अंसारी ऑफिशियल के नाम से है मुझे भी कर देना ऐसे यही चल रहा है तो यही तो बोला भाई मुझे फॉलो कर देना रजा सम्मो बस आ जाओ ब्लू टिक आ जाएगा हाँ ब्लू टिक बड़े लोग ब्रो ब्लू टिक वाले शेड्स कहीं और थ्रो करना यहाँ नहीं क्या थैंक यू सो मच तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया यार थैंक यू मेरी जान हमेशा आती हूँ इतना हंसाते हो इतना हंसाती हूँ मैं तुम्हें इतना फंसाती हूँ कि बस मीम्स बन जाते हैं हर कोई बात नहीं जी जनाब इट्स टाइम फॉर मी टू गो लुक आफ्टर योरसेल्फ अल्लाह हाफिज बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।